रूस और यूक्रेन के बीच 3 घंटे तक चली वार्ता, दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुई चर्चा। जल्द खत्म हो सकता है युद्ध, यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अपील की, 9 देशों से सुरक्षा की मांगी गारंटी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी, कहा कि चेर्निहिव में हमला कम करेगी रूसी सेना। टर्की में जेलेंस्की और पुतिन के बीच हो सकती है मुलाकात, रूस ने कहा यूक्रेन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। रूस यूक्रेन में क्रीमिया और डोनबास पर मतभेद, क्रीमिया और डोनबास को लेकर के रूस अड़ा, यूक्रेन को वापस करने के मूड में नहीं है रूस, क्रीमिया और डोनबास पर रूस का कब्जा। रूस के बीच रशियन सेना ने खार्किव और सुमी इलाकों में लोगों की मदद की, रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता के लिए 20 टन राहत सामग्री दी। माइकोलेव के प्रशासनिक मुख्यालय की बिल्डिंग पर रूस ने किया हमला, मिसाइल हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ। माइकोलेव में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह, रशियन हमले में बिल्डिंग के बीच का हिस्सा हुआ ध्वस्त। यूक्रेनी सेना ने रशियन काफिले पर किया हमला, एक के बाद एक हमले में रशियन सेना को भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन की सेनाओं में घमासान जारी, यूक्रेनियन सेना भी दे रही है जोरदार टक्कर, रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों ने किया कब्जा। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया रूसी टैंक, रूस के हमलों के बीच में यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक पर हमला। रूसी हमले के बीच खार्किव में हर तरफ फैला हुआ है मलबा, स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर चलाया सफाई अभियान। यूक्रेन में जारी है रूसी सेना की बमबाजी, रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन पर लगातार कर रहे हैं अटैक, आसमान से हो रही है हमले में पूरी तरह से शहर तबाह। रूस और यूक्रेनी युद्ध का 34वां दिन, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए तेज। रूस ने एक बार फिर दी परमाणु हमले की धमकी, रूस ने कहा देश पर खतरा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन में रूसी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग, MLRS हथियार से निशाना बना रही है रूसी सेना। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इमरान खान की पार्टी का दावा, MQMP इमरान खान के साथ, MQMP जल्द ही करेगी इसकी घोषणा। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान की कोशिशें तेज, सहयोगी पार्टी MQMP को भी एक मंत्रालय देने को हुए राजी, परवेज इलाही को CM बनाने से नाराज हुई थी पार्टी। पाकिस्तान में सियासी उठापटक, बलूचिस्तान के निर्दलीय सांसद मोहम्मद असलम भूटानी ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा। बलूचिस्तान से निर्दलीय सदस्य मोहम्मद असलम भूटानी का ऐलान, वोटिंग में देंगे विपक्ष का साथ, अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान को दिया था समर्थन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ से नाराज हैं, पंजाब CM के नाम को लेकर क्या नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनने पर CM योगी ने सतीश महाना को बधाई दी, कहा सतीश महाना का स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले CM योगी, सभी विधायक लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। विधानसभा में बोले CM योगी, जनता नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है, सकारात्मकता से ही लोक कल्याण संभव। CM योगी ने कहा विकास में पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ जरूरी, अब उत्तर प्रदेश में पूर्व विकास जरूरी है, जनता के विश्वास पर हमें खरा उतरना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना को बधाई दी, कहा हमें समय समय पर स्पीकर के संरक्षण की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा आप राइट साइड से आए हैं लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट का रखना है, आप सदन में रेफरी हैं, आप गेम का हिस्सा मत बनना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए सतीश महाना। मई में आएगा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी योगी सरकार। फोन पर ही CM योगी ने महिला को दिया इंसाफ, मेरठ की महिला ने CM को किया था फोन, नियुक्ति पत्र के बाद भी नहीं मिल रही थी ज्वाइनिंग, महिला को मेरठ का कॉलेज किया गया था आवंटित। गोरखपुर में माहौल खराब करने की साजिश का खुलासा, 25 मार्च को शपथ ग्रहण के दौरान हुआ था बवाल। गोरखपुर में हिंसा की साजिश में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम, SP नेता अरविंद यादव, नरसिम यादव का नाम, दोनों नेता चल रहे थे फरार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संभाला पदभार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा में बढ़ी तलखी, सहयोगी दलों की बैठक में भी नहीं पहुंचे शिवपाल यादव, SP कार्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई थी बैठक। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को कोर्ट में किया गया पेश, 30 दिनों के लिए जेल भेजे गए भाई बहन। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव के वक्त अधिकारियों को धमकाने वाले बयान के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बाबर हत्याकांड में बाबर के परिजनों को दी गई 2 लाख रुपए की सहायता, बाबर की पत्नी फातिमा के खाते में ट्रांसफर किया गया 2 लाख रुपए।
उत्तर प्रदेश के औरैया में इनामी बदमाशों का सरेंडर। बदमाशों ने थाने में तख्ती लेकर के सरेंडर किया। बदमाशों ने अपराध ना करने की खाई थी कसम। उत्तर प्रदेश के बरेली में भू माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जमीन 217 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल के ऐशबाग इलाके में दहशत फैलाने वाले बदमाश पर कार्रवाई। बदमाश के ठिकाने पर चला सरकारी बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। लोनी इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भू माफियाओं पर चला सीएम शिवराज का बुलडोजर। भू माफियाओं की जमीन से 3 करोड़ का अवैध कब्जा हटाया। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद पर हुआ समझौता। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम के बीच बनी सहमति। टीएमसी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा बीजेपी समर्थकों को टीएमसी नेता धमकी दे रहे हैं। टीएमसी विधायक ने खुलेआम धमकी दी। संबित पात्रा ने कहा धमकी देना टीएमसी का मूल विचार। बम बारूद के ढेर पर बैठा है बंगाल। केजरीवाल पर संबित पात्रा ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने नरसंहार का मजाक बनाया। विधानसभा में नरसंहार पर ठहाके लगाए। ममता बनर्जी का बीजेपी पर पश्चिम बंगाल से भेदभाव का आरोप। कहा बीजेपी को बंगाल से प्यार नहीं। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल आपके नेता कट्टर ईमानदार हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा गद्दार कहलाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS 316। गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में हुआ शामिल। और गोल्ड लोन मुहैया कराने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस ने लॉन्च किया सुनहरी सोच सीजन 2। आम लोगों के वास्तविक जीवन की 5 प्रेरक कहानियों की सीरीज। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर अपने सपनों को साकार किया।